हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम कुछ मीठा बनाते हैं। आपको मैं आज बताऊंगी लौकी की खीर की रेसिपी। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप 150 ग्राम ऑफ लौकी लीजिए, उसको ग्रेट कीजिए, उसको अच्छे से वॉश कीजिए। उसमें आप 2 टीस्पून ऑफ शुगर डाल दीजिए उसमें, और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। उसको हम फर्स्ट थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना पड़ता है। अभी देखिए थोड़ा फ्राई हो चुका है, तो इसमें अभी 2 टेबलस्पून ऑफ घी डालूंगी मैं। अभी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से कुक कीजिए लो फ्लेम में। इसको छोड़ के आप 2 मिनट्स तक लीड लगा के छोड़ दीजिए। अभी देखिए थोड़ा कुक हो चुका है, तो मैं उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ, एटलीस्ट ये जल्दी कुक हो जाएगा इसलिए। अभी देखिए ये कुक हो रहा है, ये पूरा ड्राई आउट हो चुका है। तो अभी हम इसमें मैंने साबुदाना डाल रही हूँ 50 ग्राम, तो ऑलरेडी मैंने 4 आवर्स तक सो करके रखा हुआ था। उसको अच्छे से अभी कुक करेंगे दो को। अभी देखिए ये कुक हो गया, तो मैंने थोड़े जो भी ड्राई फ्रूट है उसको थोड़ा सा स्लाइटली कट करके वो भी डाल के उसको अच्छे से कुक करूंगी अच्छे से। अभी मिडिल में मैं थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया था। अभी मैं बॉइल्ड 1 लीटर मिल्क डालूंगी इसको, मैंने थिक मिल्क लिया था। अभी देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी अच्छे से मिक्स कीजिए, नहीं तो नीचे उसमें थोड़ी सी जल जाएगी। अभी देखिए मैं अब इसमें 100 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कीजिए थोड़ा सा। अभी देखिए ये मिक्स हो गया है, तो मैं इसमें 100 ग्राम ऑफ खोया डालूंगी। ये होममेड है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। अभी मैंने 6-7 इलायची को क्रश करके डाल दिया है। आपको ये खीर को एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में इसको पकने छोड़ दीजिए। मिडिल में मिक्स कीजिए इसको। अभी देखिए 15 मिनट्स के बाद देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अच्छे से थोड़ा मिक्स कीजिए। ये देखिए हमारी जो लौकी की खीर है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये पूरा देखिए कितना अच्छा बन गया है। आप अपने घर में एक बार अगर आपको पसंद आए तो ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।